कपूर के बारे में सब कुछ आता है, तो कपूर से जुड़ी हुई कुछ खास उपाय और बातें आज की इस वीडियो में होंगी। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी लेकिन कपूर एक ही होगा। आइए कुछ फोटो के जरिए आपको कपूर के बारे में बताती हूँ। आप, हम, भगवान, सबको कपूर बहुत पसंद है। क्या आपके घर में कपूर जलता है? क्या आप कभी मेरे ऑफिस आए? मैं डॉक्टर वायरा की, जो भी लोग मेरे ऑफिस आते हैं वो आते ही बोलते हैं, मैम ये किस चीज़ की फ्रेग्रेंस है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ऑफिस में हमेशा कपूर लैंप जलता रहता है और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और कपूर लैंप जब भी किसी के घर जलता है तो पहले तो वहाँ कोविड नहीं हो सकता, वहाँ पर भूत पिशाच नहीं आ सकते, नकारात्मकता नहीं आ सकती, किसी तरह का कोई जादू टोना नहीं हो सकता। अरे उस घर की बात तो छोड़ो, उस घर के बगल में भी जो घर होगा ना वहाँ पर भी पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव सोच भी रहा है और करने का भी सोच रहा है, बोलने का भी सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान भी पॉजिटिव हो जाएगा। कपूर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है। मेरी माँ दुर्गा को, माँ भवानी को कपूर बेहद पसंद है। भगवान की आरती कपूर के बिना हो नहीं सकती। माँ लक्ष्मी को कपूर बेहद पसंद है, वहीं कपूर चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि एक ही कपूर और कितने सारे ग्रहों को सही करने वाला होता है। कोविड के टाइम पर छोटे छोटे जो रुमाल होते हैं उसमें कपूर की गोलियां रखकर लोगों ने लगातार सूंघा और अपने आप को बचाने की कोशिश करी। हमारे देश में हवन ही नहीं हो सकता अगर कपूर ना हो। जब कपूर हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी समस्याओं का हल कर सकता है तो सोचिए कि इस कपूर को अभी तक हमने अपने घर से दूर क्यों कर रखा है। हाँ, अगर कपूर किसी चीज़ का दुश्मन है तो अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी हमेशा होता है, तो कपूर होम्योपैथिक दवाइयों का दुश्मन है। जहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वहाँ कभी कपूर नहीं रखा जाता। अगर गलती से कभी आपने ओवरडोज ऑफ होम्योपैथिक दवाई खा ली तो ऐसे में आपको वहाँ कपूर सूंघा देना चाहिए, खिला देना चाहिए, तो उस दवाई का नेगेटिव असर कभी भी नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, अगर आप अपने घर में खुशहाली, पैसा, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश चाहते हैं तो मेरी बात जिंदगी भर याद रखिएगा कि अपने घर में जब सुबह भगवान की ज्योत जलाएं तो उसके ऊपर जो ज्योत हो सबसे पहले कपूर रखिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा खूब आएगा। अगर आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं या यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं तो आपकी जेब में, आपके पर्स में हमेशा कपूर होना चाहिए। अगर कोई आदमी है जो आपको तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, या जिससे आप बहुत प्यार करते थे लेकिन वो धोखा दे के आपको चला गया और वो किसी और से प्यार करता है, तो आप अपना उस व्यक्ति का नाम काले रंग के पेन से कपूर पे लिखकर उसे जला दीजिए। नकारात्मकता उसी टाइम खत्म होने लगेगी। ऐसा आप मंगलवार शनिवार कीजिए, 11 मंगलवार 11 शनिवार कीजिए, आप उस व्यक्ति को भूल जाएंगे। अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो आपको भूल जाएगा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसा रुकता नहीं है तो छोटी सी एक रेड कलर की पोटली में थोड़ा सा कपूर और भीम सैनी कपूर हो तो ओए होए क्या बात है, भीम सैनी कपूर रख कर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। दिन दुगनी रात चौगनी आपके घर में जो है पैसा रुकने लगेगा, तरक्की होने लगेगी और टिकने लगेगा। अगर आपके जेवर बार बार बिक जाते हैं तो इस बार आप जब लॉकर में या घर की तिजोरी में या घर के गल्ले में या घर की अटैची में, जहाँ भी आप जेवर रखते हैं उसमें थोड़ा सा कपूर रख दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके जेवर कभी नहीं बिकेंगे। अगर आपका भी मेरी तरह ऑफिस है और आप ऑफिस के अंदर बैठते हैं तो ऑफिस की चेयर पर थोड़ा सा कपूर नीचे रख दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है, जादू, करिश्माई जादू। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार है और उसकी बीमारी आपको, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लगातार वो व्यक्ति बीमार ही बीमार रह रहा है, तो उस बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे कटोरी में कपूर रख दीजिए और रात को रखिए और सुबह उस कपूर को घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए। धीरे धीरे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो कपूर को पीस कर उसका पाउडर पानी में डालकर ऐसे व्यक्ति को नहलाना शुरू कर दीजिए, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है या आपके पर्स में से बार बार पैसे चोरी हो जाते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। अगर माँ दुर्गा या भवानी से कुछ विशेष आपको मांगना है तो माँ के सामने 5 घी के दिए जलाइए और 5 घी के दियों के ऊपर कपूर रखकर जलाइए और फिर माँ से आप जो मर्जी मांगिए आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिंदगी के अंदर अगर लाइफ में आपको बहुत आगे जाना है और सक्सेस नहीं मिल रहा है और डर लगता है तो रोज सुबह अपने खाने में जो भी नाश्ता आप पहले करते हैं खाने वाला कपूर थोड़ा सा मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए। रुक जाइए, अब खाने वाला कपूर और जलाने वाला कपूर दोनों अलग होते हैं। आपको ये कपूर बाजार से, किराने की शॉप से, किसी भी राशन की शॉप से मिलेगा, लेकिन बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। लेकिन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या अगर आपको कोई खास बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के
खाने वाला कपूर बिल्कुल मत खाइएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो ऐसे में आप खाने की जगह पर कपूर को अपने पास रखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं डॉक्टर वायरा के आपको कपूर के चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। पति पत्नी के बीच में दोनों में बहुत झगड़ा होता है तो रात को अपने अपने तकिए के नीचे रखकर कपूर रखकर सो जाइए और सुबह उठकर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति उस कपूर को जला दिए सोचकर सारी नकारात्मकता खत्म हो गई है और हम अपने आप की नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे रोज रात को कपूर आपके तकिए के नीचे रखकर आप जलाएंगे वैसे वैसे आपकी दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी और नकारात्मकता दूर होगी। अगर आपके घर को, व्यापार को, ऑफिस को, फैक्ट्री को किसी की नज़र बुरी तरह से लग गई है तो आप क्या करें कि कपूर बहुत सारा एक पैकेट में ले और उसे पूरे ऑफिस में घुमाएं और घुमाने के बाद उसे जलप्रभा कर दें और संभव हो सके तो जला दें। और जब आप इसे जलाएंगे तो उसमें से काले रंग का धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा नज़र लगी होगी उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा और आपके यहाँ पर पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऑफिस क्षेत्र में, घर में, व्यापार में, हर क्षेत्र में आपको कपूर लैंप जरूर जलाना चाहिए। कपूर लैंप जलाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। और हाँ, माता रानी के लिए एक बहुत खास उपाय, जिनका शुक्र खराब है और लगातार कोशिश करने के बाद भी वो पिक्चरों में नहीं जा पा रहे, सिंगर नहीं बन पा रहे, मीडिया में नहीं जा पा रहे, उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो पा रही हैं या यूट्यूब उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो हर शुक्रवार को कम से कम 250 ग्राम और मैक्सिमम आधा किलो कपूर माँ दुर्गा या भवानी के मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। होए होए, फिर चमत्कार देखिएगा। और हाँ, अपने आसपास भी कपूर जरूर रखिए। जय माता दी।